बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आ जाओ उधर उधर। अरे यार मेरे भाई, आ बाहर क्यों खड़े हो यार? अंदर आओ, अंदर आओ। ए ये आ गया, ये इसके बारे में बता रहे थे क्या? इसके बारे में कल बता, नवाज आ गया। ये एकदम हमारा एकदम तराशा हुआ हीरा, एकदम ऐसा नहीं है भैया, वो खतरनाक लड़का है। आओ बैठो। बच्चे जो होते हैं कि एकदम क्या करें क्या करें क्या करें, सब सही होता हुआ गलत कराते हैं, आता हुआ गलत दिखाते हैं। पता चला याद है BTG ऑल इन, साल भर याद किया, लेकिन डर के मारे ATG ऑल इन हो गया। सब इससे में क्या होगा, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे तो सब आते हैं, लेकिन ऐसे सोचोगे तो लगेगा अरे ये तो भूल गए, अरे ये तो भूल गए, अरे तो भूल। लेकिन जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो सब याद आता जाएगा, सब आता है। ऐसे ही कर लो, कल जब करना शुरू करोगे बोले ये तो पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ। और शुरुआत का ही खेल है, शुरुआत में जब पकड़ना तो पकड़ना वो जो बहुत आता हो, शुरुआत में कॉन्फिडेंस बन गया तो बस वो बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। शुरुआत में डिप्रेशन हो गया तो नीचे ले घसीट ले जाएगा। शुरुआत के डेढ़ दो घंटे का खेल है, जो इधर खींच लेगा उसका काम बढ़िया हो गया। शुरुआत में एकदम वही पकड़ना जो सब्जेक्ट एकदम सॉलिड पकड़ हो, तीनों सब्जेक्ट देखना, और जो न्यूमेरिकल वाले हों जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो उनको छोड़ते चलना। आखिर में तुमसे मुलाकात करेंगे बेटा, चिंता ना करो। आधे घंटे बाद दो सवा दो घंटे तक 160 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, इतने क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन गोला बनाते गए। फिजिक्स का एक सिंगल फार्मूले के क्वेश्चन ही कर लिया, सिंगल फार्मूला कर लिया, सिंगल फार्मूला कर लिया, लेकिन बहुत कैलकुलेशन वाला लग रहा है, छोड़ दिया कि आखिरी में मिलेंगे एकदम तुमसे बेटा। जब करने के बाद उससे लड़ाई, क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई करने लगे दो तीन में बर्बाद कर दिया ना, गोला बनाया और बोला बेटा तुमसे आखिरी में मिलेंगे, परेशान ना हो, आगे बढ़ाएं। ये करना है फिजिकल में जो कैलकुलेटिव है वो, और फिजिक्स में जो कैलकुलेटिव है वो, उससे गोला बना के उन बाद में मिलेंगे। इससे तुम्हारा बायो और केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिजिक्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो नहीं छोड़ना है। हाँ वो मतलब न्यूमेरिकल के चक्कर में थ्योरेटिकल नहीं छोड़ना है। बाकी बढ़िया करोगे सबको, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और एकदम फोड़ के आओ, पेपर का पोस्टमार्टम करके आओ, ठीक है? पेपर लिख के मत आओ, पेपर का पोस्टमार्टम करके आओ, एकदम बेहतरीन, ठीक है? ओके भाइयों, तो कंपाउंड मत रिवाइज करना। कंपाउंड मतलब HNO3 की प्रिपरेशन, H2SO4 की प्रिपरेशन नहीं आएगी, अंदर की बात बता रहे हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, हाँ सिर्फ NCERT के शुरू के दो पेज, NCERT की शुरुआत के दो ढाई, जैसे मान लो बोरान फैमिली देखी तो शुरुआत के ढाई पेज, उसके आगे जाना ही नहीं। जैसे बोरेक्स की प्रॉपर्टी आएगी ही नहीं, बोरेक्स की प्रिपरेशन आएगी ही नहीं, कंपाउंड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं, बस सिर्फ हाँ प्रॉपर्टीज ऑर्डर वही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। कंपाउंड नहीं है, ख़त्म नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है? तो बाय द वे अभी रिवाइज करना हो अगर तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के, बोरान फैमिली के शुरुआत के ढाई पेज, कार्बन फैमिली की शुरुआत के दो पेज, बायोमोलिक्यूल वही, उन तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, इसका लिंकेज ध्यान रखना, कौन रिड्यूसिंग कौन एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन ध्यान रखना। बस इतनी बात आ गई, पेपर लिख के आओ, सब याद है तुम लोग को, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिंदास पेपर लिख के आओ, बढ़िया होगा, ठीक है? ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बिंदास पेपर लिखो, ठीक है बच्चों? ओके, ऑल द बेस्ट। अरे कैसी बात कर रहे हो, मेरा ये काम है बच्चों, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है? ओके बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट भैया।